हमने एक चीज और अपने किचन में ऐड की है, गैजेट ऐड किया है। हाँ, गैजेट ऐड कर दिया हमने और यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है हमारी पनीर टिक्का की। कैसा लगा सेटअप आपको? एकदम लाजवाब। दोस्तों, पेट की भूख को देखते हुए हमने अपनी गाड़ी को फिर से एक बार और रोक लिया है और अब बनाया जा रहा है यहाँ पे लंच। भाई लोकेशन दिखाए तो बिल्कुल जंगल के बीच में गाइस हम लोग रुके हैं और यहाँ पे हमारा लंच बनाया जा रहा है। अभी क्या बना रहे हो? राजमा चावल। अरे भाई वाह गाइस, देर खाना कितना जबरदस्त जबरदस्त बनने लग रहा है। सुबह बने थे मसाला बन, अब बनने लग रहा है राजमा चावल। लेकिन मेरी तबीयत खराब है, ढंग से बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, तो बट स्टिल आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहे हो दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, है ना भाई। तो किचन को अपनी रेडी किया जा रहा है वापस से। तुम क्यों हंस रही हो? अरे देखो भाई, बीमार वैसे भी तो खा पी के बीमार हो, कम से कम कोई दुख तो नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे भाई राजमाओं को ना उबालने के लिए छोड़ दे, उसमें डाला जा रहा नमक। नमक क्यों डालते हैं? नमक से ना जल्दी उबल जाते हैं। जल्दी उबल जाता है भाई, देख रहे हो तुम्हारे हमारे चैनल का अच्छा गल जाता है। हमारे चैनल पे ना सब्सक्राइब करने का यही एक फायदा कि आपको कुकिंग टिप्स भी मिलती है कैंपिंग के साथ साथ। ये लो भाई कुकर कर दिया बंद। अब यहाँ पे हमारा राजमा कितनी देर में उबल के रेडी हो जाएगा? वैसे 10 मिनट 5 मिनट हमें तो गलाना है ना राजमा। अच्छा, भिगो के रखा हुआ था, केवल गलाना है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे अब कुकर में डाला गया है तेल और हमारे राजमा जो है वहाँ पे अच्छे से गलने के लिए हमने छोड़ दिए और उबल गए हैं। और यहाँ पे अब छोक लगने जा रहा है राजमा की सब्जी का और साथ में चावल। तो अब थोड़ी बहुत देर में भाई यहाँ पे सीटी लगी जाएगी चावल में। बाकी भाई मैं आपको अगर लोकेशन दिखाऊँ भाई, ये देखो एक बार कितना ज़्यादा घना जंगल है भाई। मतलब नीचे की साइड देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है भाई पूरे में। और ऐसी ही टेरिटरी ये पूरी कही जाती है लेपर्ड और टाइगर। रात को भी ऐसी ही टेरिटरी में हमें वो लेपर्ड दिखा था। हाँ मतलब ऐसी एक जगह थी है ना, ऐसे उस पर तो लेटा हुआ था वो, रोशनी पड़ती नहीं, चला गया था, छुप गया था। पर ऐसी ही जगह पर जो हमने लेपर्ड देखा रात, तो यही ऐसी जगह देख लो। यहाँ तो भाई देखो पहाड़ में तो जंगल ही होता है, तो कुछ होता नहीं। पहाड़ में जंगल है तो जंगल है तो जानवर भी है, ऑब्वियसली बात है कि जंगल है तो भाई जानवर मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे भाई जंगली जानवरों के एरिया में आज हम अपने चलते फिरते घर में बना रहे हैं लंच। जंगली होते जा रहे हो तुम सारे के सारे, जंगली हो रहे हैं भाई जंगल में मंगल। अब तो जंगल वाले ही पहचानने लगे हैं। हाँ ये तो अपने मोसेरे भाई है, दोस्ती कर ली। दोस्तों अपने भाई यहाँ पे राजमा चावल बनके रेडी हो गए भाई। ये देखना बिल्कुल पहाड़ी राजमा भाई, क्या टेक्सचर निकल के आया। ये देखो भाई खड़े मसाले भी डाले हैं इसमें सारे और साथ में हमारे यहाँ पे चावल भी बनके रेडी हो गए। चावल की एक बार मुंह दिखाई करवा दो भाई जल्दी से। ये लो कर लो गाइस चावल की मुंह दिखाई, देसी तड़का वाले चावल है, इसमें देसी घी भी डाला गया। तो यहाँ पे अब हमारा लंच बनके रेडी हो गया है। इतनी सुंदर और शानदार लोकेशन भाई, हम अपना लंच करने जा रहे हैं इस जंगल के बीच में बैठ के। चलो भाई डालो फिर अपना लंच करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी भाई प्लेट लग के रेडी हो गई है। प्लेट की तरफ आप देखोगे तो इसमें राजमा है, पहाड़ी राजमा, साथ में भाई यहाँ पे हमारे चावल है, साथ में अचार और सलाद। सलाद में अपने पास प्याज है। और भाई लोकेशन देखो यार क्या शानदार लोकेशन है, मतलब चारों तरफ भाई हमारे जंगल ही जंगल है। इतनी ऊंची ऊंची वादियों के बीच में भाई हम अपना लंच करने लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े आने लग रहे हैं। तो लंच कर लेते हैं फटाफट क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज। सो गाइस फाइनली हमने लंच तो अपना कर लिया है और लंच खा के भाई इसमें मज़े आ गए एक नंबर का। ठीक है अब बाकी बारी है भाई यहाँ पे किचन को अच्छे से साफ सफाई करके उसे वापस से पैक करने की, क्योंकि अब हम निकलने लग रहे हैं आगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए जहाँ पे हम करेंगे अपनी नाइट की कैंपिंग। तो आज डैडी इस चीज़ में भाई अपना वो करने लग रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं, योगदान देने लग रहे हैं। देखो भाई अच्छे से किचन को साफ किया जा रहा है। गाइस हाइजीन का ना सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कैंपिंग में, तो हाइजीन हमेशा भाई रखनी चाहिए। आप कुछ भी काम करो लाइफ में, ये तो फ्री भाई खाने पीने की चीज़ है तो भाई इसे तो हमेशा साफ करना चाहिए। बाकी भाई ऊपर से ना वहाँ पे पेड़ पे से ना बंदर उतर उतर के आने लगे हैं, देखो आवाज कर रहा है, आवाज सुन रहे हो? कितनी मेहनत करते हैं ना, पूरे दिन बैठे रहते हैं, एक दो सब्जी कटवा देते हैं साथ में।
तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं भाई और अब आगे बढ़ने लग रहे हैं हम लोग ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश से हम या तो आज ही जाएंगे देहरादून या फिर कल जाएंगे, जैसा भी होगा वो आप गाइस आगे देखना ब्लॉग में। कुछ ना कुछ सस्पेंस तो भाई रहना भी चाहिए, है ना। बाकी भाई कैसी लग रही है ट्रिप अभी तक आप लोगों को, कमेंट करके बताओ भाई। कमेंट करके पहले मैंने तो पहले आपसे पूछी, इनसे तो मैं बाद में पूछूंगा भाई। हमें तो अच्छी लग रही है पर हमारी ऑडियंस को कैसे लग रही है, हमारे लिए तो मेन चीज ये है क्योंकि हमारे तो हमारी ऑडियंस ही सबसे पहले प्रायोरिटी रखती है। हाँ भाई ये बात तो है, हम अगर घर से निकलते हैं वीडियो बनाने के लिए सारे काम करने के लिए तो गाइस हम आप लोगों के लिए तो निकलते हैं ना, नहीं तो घूमने के लिए तो भाई हम कैसे भी घूमे हैं, फिर तो वीडियो बनाने का कोई मोटिव बनता ही नहीं था, है ना। पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे जंगलों में जाके रुक रहे हैं, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए तो करने लग रहे हैं ये सब। और भाई ये पहली बस देखी रेडी जो नीचे से आ रही है ना, अभी तक इतनी देर हम लोग रुके रहे, सोचो आसपास के गांव वाले लोग कैसे सफर करते होंगे ना आसपास के। मुश्किल काम है भाई, इतना आसान नहीं है, इस रोड पे ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ये कुछ ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो कुछ भी नहीं था ना, बाइक ना गाड़ी ना बस, जैसे वापस आए। हाँ ये ज्यादा ही अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब इतनी भी नहीं होनी चाहिए भाई, ज्यादा पिछड़ा एरिया हो गया ये कुछ। दोस्तों ये देखो भाई अभी हम रास्ते में थे और क्या सुंदर प्यारा वाटरफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ये तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम क्या कहते हैं कैसी धाम, नहीं हम जिम कॉर्बेट से जब निकले थे तब हमें कुछ ऐसे सुंदर वाटरफॉल मिला था भाई, कितना ज्यादा प्यारा भाई ये देखना। और यहाँ पे चट्टान पे आगे गिरने लग रहा है ये नीचे, इसकी वजह से एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भी बना दी है, बाकी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लग रहा है भाई सच में। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लोकेशन पे, मस्त लोकेशन पे। ये बताओ कैसी लग रही है लोकेशन भाई, लोकेशन मस्त है जबरदस्त, क्या कहते हैं इस लोकेशन का तोड़ नहीं है, कितनी प्यारी लोकेशन ढूंढी है भाई हमने। बिल्कुल देखो नदी के पास बिल्कुल नदी के पास भाई, अपनी गाड़ी को हम इस पुल के थ्रू वहां से नीचे उतार के लिया है, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया है और देखते हैं भाई जैसा भी रहेगा वो आप आगे ब्लॉग में देखना। बाकी क्या बनाया जा रहा है आज, बनाया गाइस कुछ स्पेशल आइटम, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल। हम एक चीज अपने, हमने एक चीज और अपने किचन में ऐड की है, गैजेट ऐड किया। हाँ गैजेट ऐड कर दिया हमने, वो बता दूं भाई, बोल दो रिवील कर दूं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, रिवील करे तो कैसे चलेगा। तो भाई हमने हमने अपना तंदूर ले लिया है और आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का भाई, वाह देख रहे हो गाइस, अपने चलते फिरते घर के भाई यही मजे होते हैं, कहीं भी खड़े कर लो कुछ भी बना लो, नदी के किनारे पनीर टिक्का। और लोकेशन चेकआउट करो गाइस, ये देखो भाई अभी तो थोड़ा सा रश है यहाँ पे, ये शाम का टाइम है और नदी साथ में भाई, ऐसी सुंदर लोकेशन चारों तरफ भाई हमारे पास पहाड़ी पहाड़ है और भाई रात में बहुत तगड़ी ठंड लगने वाली है। अभी देखो जैसे थोड़ा सनसेट हुआ है तो मौसम ठंडा होने लग गया है और वैसे भी नदी के पास तो भाई ठंड लगती है ही, तो अपने चलते फिरते घर की किचन को हम जल्दी से खोलते हैं और फटाफट बनाते हैं यहाँ पे आज पनीर टिक्का। ये लो भाई खोल दी किचन, बाकी आज का इतना ज़्यादा यूज़ आने नहीं वाला, आज जो आने वाला है ना मेन यूज़ वो है भाई ये आइटम, ये जो बॉक्स में रखा हुआ है ना इस आइटम का आज मेन होने वाला है और इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है अभी तक हमने, आज अनबॉक्सिंग करेंगे, फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग हमारी इस व्लॉग में ही होने वाली है आज, पैक भी नहीं किया है। हाँ ये बात तो है भाई, पूरा देखना मजा आने वाला है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रिपरेशन की, कुछ स्पेशल आइटम आज आपके सामने सर्व हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू हो चुकी है अपनी यहाँ पे पनीर टिक्का की प्रिपरेशन, ये देखो भाई फ्रेश पनीर यहाँ से निकाला जा रहा है पैकेट से, ये देखो भाई और शेफ है आज के रेडी टिक्का के आइटम बनाने में ना, डैडी को वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो डैडी प्रिपरेशन कैसी रहेगी मैं जरा ऑडियंस को एक्सप्लेन करूँ भाई, प्रिपरेशन क्या रहेगी, हम पहले पनीर के छोटे छोटे पीस करेंगे, फिर पनीर में कुछ आइटम्स डालकर उसको मैरिनेट करेंगे कम से कम आधा घंटा, उसके बाद इतने तंदूर जला देंगे। तो मैरिनेशन में क्या क्या यूज़ होगा, मैरिनेशन में सरसों का तेल है, हल्दी है, दही है और क्या कहते हैं थोड़ा मिर्च है, नमक है, अपने टेस्ट के अनुसार बढ़िया टेस्ट के अनुसार। ये देखो भाई ये पनीर अपने अभी से आज पीसेस में कट किया जाएगा, हाँ और साथ में हाँ जो मेन चीज है देसी घी में बनाएंगे भाई, बटर का यूज नहीं कर रहे, हाँ नहीं जैसे लोग यूज करते तंदूर में बटर, पर हम लोग यूज कर रहे हैं भाई यहाँ पे देसी घी बढ़िया। जब हम उसको यूज करेंगे क्या कहते हैं जब उसको सेक लेंगे तो सेकने के लिए उसको उस पर घी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा भाई, वाह ये देखो यहाँ पे शिमला मिर्च निकल लिया, ये टमाटर निकल लिया, साथ में हम यहाँ पे निकलेगा इस प्याज, और देखो प्याज है, इसके बाद अदरक, इसके बाद प्याज है, नींबू है, हमारे पास चाट मसाला है भाई साहब, जो पनीर टिक्के का मजा आने वाला है ना। गाइज अब यहाँ पे देखो भाई प्रिपरेशन शुरू होने लग रही है हमारे पनीर टिक्का की, सारे पनीर के पीसेस हमने यहाँ पे डाल दिए, अब इसमें डाला जाएगा भाई सरसों का तेल, मसाला है, सब्जियाँ तो खैर बाद का काम है, मसाले, दही, तेल ये सब डलेगा अब इसमें।
तो दोस्तों ये देखो भाई हमारा यहाँ पे पनीर तो जो है वो मैश हो चुका है। मैश क्या मतलब हमने अच्छे से मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया, अभी आधा घंटा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे भाई अब कटने जा रहा है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो सब्जी होती है ना गाइस वो मैरिनेट नहीं होती है साथ में, वो तो बस ऐसी जैसी लग जाती है, उनका बस एक थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए होता है उसके साथ, इनको मैरिनेट नहीं किया जाता। और यहाँ पे मम्मी बनाने लग रही है अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है पर हम लोग घर की यूज़ करते हैं। मैं भी ना अपने ये यूज़ करती हूँ। हाँ घर का ज़्यादा अच्छा रहता है भाई, इसमें केमिकल और ये सब होते हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। दोस्तों अब बारी है जो सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का, ये कि ये हमारा नया तंदूर जो कि हमारे इस कैंपिंग गैजेट्स में ऐड हुआ है। तो इसकी अनबॉक्सिंग देखो भाई, फटा भी नहीं था, इसे मैं ही फाड़ने लग रहा हूँ। ठीक है इसकी अनबॉक्सिंग करने लग रहे हैं आज हम पहली बार। हमने तो भाई खोल के तक नहीं देखा कि कैसा है कैसा नहीं आया। जैसे एचडी पार्सल आया था ना इसे वैसा के वैसा उठा के हमने इसे रख लिया था। ये देखो भाई ये है अपना पोर्टेबल बीबीक्यू तंदूर, ये इसे यहाँ पर रख देता हूँ मैं। क्या तगड़ी फील आ रही है यार, और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा और इतना सुंदर प्यारा सा है। मैं थोड़ा सा वो कैमरे के पास लेके आऊँ थोड़ा भाई। ये देखो भाई इसमें हमारे साथ ना अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे एक पे ऊपर इसकी जाली हो गई, ठीक है इस जाली को निकाल के वहाँ से दिखाते हैं। उसके बाद ये आ जाता है हमारा भाई तंदूर का जो बीबीक्यू का स्टार्टर होता है ना, इसे ये इसमें आगे लग जाता है, ये समवेयर यहाँ लगता है और इसे घुमा के ना हवा निकलती है इससे, जिससे कि भाई जो कोयले होते हैं अंदर जल्दी से भाई वो स्टार्ट होते हैं। साथ में यहाँ पे ये इसकी स्टिक्स मिल जाती है जिसमें हम क्या कहते हैं सारे जो बीबीक्यू है वो कर सकते हैं। और नीचे एक और इसकी जाली मिल जाती है और यहाँ पर आता है भाई बटर लगाने के लिए, ये काइंड ऑफ वो है ब्रश। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे मिल जाती है। कोई नहीं भाई अब चलो ये जल्दी से सेटअप करते हैं। यहाँ पे हमने पहले से लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी आप देख सकते हो, तो इन लकड़ियों को हम इसमें डालेंगे। और भाई साथ में हमने ये ले रखा है पेट्रोल पम्प। अब आप कहते हैं पेट्रोल पम्प, ये नाम हमने इसका रखा है। उत्तराखंड में जब हाई एल्टीट्यूड पर आप लोग जाते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाती है, पेड़ों पर से ही उगती है चीज़, पेड़ों पर से गिरती है। और भाई ये इतनी जल्दी आग पकड़ता है ना बहुत ज़्यादा, चाहे गीला ही क्यों ना हो पर अगर तुमने इसमें आग लगा दी तो भाई ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। चलो भाई जल्दी से बारी अब इसको सेटअप करने की, जल्दी से देरी ना करते हुए जल्दी से अब कर देते हैं सेटअप। तो गाइस यहाँ पे अपना तंदूर अब सेटअप किया जा रहा है। देखो इन पेट्रोल पंप की मैं बात करने लग रहा था, आप देख सकते हो भाई ये है, ये इतनी जल्दी आज पकड़ते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा। पहले ये डाले जाएंगे फिर उसके ऊपर मैं ये लकड़ी रख दूंगा जिससे भाई जब तक ये कोयले नहीं बन जाते ना, बिल्कुल कोयले बनने के बाद भाई फिर ऊपर ये जालियाँ आ जाएंगी और फिर अपना भाई यहाँ पे जो मेन काम है सेकने का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अब इसमें आग लगाई जा रही है और हवा चलने लग रही है जिसके कारण भाई बड़ी दिक्कत होने लग रही है। पकड़ ली उसने आज एक बार पकड़ ले, लेकिन ये आग भी ना ये जो वो है ये हमें फ़ायदा भी देगी। कैसे? हवा, क्योंकि हमें सुलगाने में। हाँ ये बात, पर अपने पास तो वैसे वो ब्लोअर भी है ना तो उससे भी पड़ी जाएगा। तो दोस्तों ये देखो भाई फाइनली अपनी आग जो है वो जल चुकी है भाई, कितनी जल्दी और इतनी तगड़ी आज पकड़ ली इसने। पेट्रोल पम्प भाई एक नंबर, इसका सही नाम रख रखा हमने पेट्रोल पम्प है ना। डैडी अब यहाँ पे आज को संवारने लग रहे हैं, आज जलाना यार बहुत आसान है, संवारने वाला आना चाहिए कोई तो संवार सके, क्योंकि आज जलती रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये कोयले बना सके। और कोयले बन रहे हैं भाई नीचे देखो आप, है ना, अब इसमें बस लकड़ियाँ डालते रहो, इसे ऊपर तक भर देंगे जैसे ये कोयले बने ना गाइस फिर अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बारबेक्यू। बढ़िया तो गाइस फाइनली तंदूर तो भाई अपना ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है और अभी यहाँ पे एक भैया हमसे मिलने हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? ब्रिज। ब्रिज कहाँ से हो आप? मैं नोएडा से। भैया पड़ोसी है हमारे, हम गुड़गांव से, भैया नोएडा से। भैया ने सेटअप देखा हमारा और सेटअप देख के आए तो कैसा लगा भैया आपको सेटअप? एकदम लाजवाब भैया, मैं भी इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं देख के अपने लिए बनवा सकूँ। अच्छा तो अभी आप क्या ओवरलैंडिंग करते हो? हाँ अभी ओवरलैंडिंग में भी अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं जरूरी है ये तो लाइफ में, वैसे भी कोविड ने काफी सारी चीजें हमें सिखा दी है, वो ही छोटा सा टाइम है लाइफ का, कुछ नहीं पता अब है नहीं है कल, तो भाई ये होनी जरूरी है चीजों का एक्सप्लोर करना। तो कैसा लगा सेटअप आपको? एकदम लाजवाब। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं आप भी अपना सेटअप बनाओ गाड़ी में हमसे इंस्पायर होके। मुझे बताया अभी कि नेक्सोन में हम इन्होंने बेड सेटअप किया, हमने अंदर का बेड सेटअप किया हुआ है नेक्सोन। अच्छा अच्छा अच्छा। बट वो अंदर का बेड सेटअप क्या होता है कि कई बार कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होती
तो बाहर के लिए मैं देख के तभी आया था। कोई नहीं भैया, आप हमसे इंस्पायर होकर जरूर चीजें करो, फिर साथ में कैंपिंग करेंगे आगे। कुछ भी हेल्प चाहिए आपको इस ओवरलैंडिंग से रिलेटेड तो आप हमसे बिल्कुल इसीलिए हम आपसे जुड़ रहे हैं ना। हाँ जी, दो दो से चार बिल्कुल ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जब भी हम घूमने जाएंगे तो आपको बताएंगे, अगर आपका समय है आपके पास, आप निकाल सकते हो टाइम तो आप हमारे साथ आओगे। तो दोस्तों तंदूर अपना भाई यहाँ पे देखो सेटअप हो चुका है, कोयले आप देख सकते हो क्या दहकने लग रहे हैं भाई साहब, लाल बिल्कुल सुरख। और यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है हमारी पनीर टिक्का की, ये देखो पनीर लगा दिया अब इसके ऊपर भाई, ये शिमला मिर्ची ये गई पर बढ़िया बारबेक्यू के नज़ारे आ रहे हैं। डैडी कैसा लग रहा है? बहुत मजा आएगा भाई, लोग भी देख देख के जा रहे हैं भाई, क्या सेटअप बना रखा है पूरा गाड़ी में। ये देखो भाई टमाटर भी आएगा, अब सारी चीज़ आएंगी इसमें। अगर उसके जो दुकान के पनीर टिक्का को फेल नहीं किया तो फिर बेकार है। सही बात है भाई बिल्कुल। सो गाइस ये देखो भाई यहाँ पे हमारे पनीर टिक्का भाई बनके रेडी हो गया है, क्या जबरदस्त बन के आया है डैडी देखो, बिल्कुल रेड रेड हो गए। चलो भाई इन्हें प्लेट में डालते हैं फिर बाकी के आगे की मैरिनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं ना। ये लो चिमटा लिया है मम्मी, चिमटे से नहीं होंगे। तो गाइस ये देखो भाई प्लेट में डाले जा रहे हैं अपने पनीर टिक्का, और इसके बाद इसके ऊपर प्याज नींबू मसाले ये सब डाले जाएंगे भाई। वाह प्लेट बिल्कुल सच के रेडी हो गई गाइस, ऐसा बना है जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना। तो भाई वाह तंदूर की फायदे तो है गाइस सच में। तो गाइस अब यहाँ पे इसमें ऊपर मसाला डाल दिया गया, ये देखो भाई मसाले से ऊपर पूरा भर दिया और ऊपर आ गया। अब डाल देंगे इसमें नींबू, अब ये हो जाएगा रेस्टोरेंट स्टाइल बढ़िया एकदम पनीर टिक्का। गाइस टेस्ट तो कर लिया, बाकी भाई जो जेन्युइन ओपिनियन है ना भाई वो मम्मी बताएंगे टेस्ट करके। मम्मी बताओ एक बार जरा कैसा है। पनीर लेती हूं आई नहीं था रेस्टोरेंट में भी क्या बनता होगा भाई। भाई सच में मजे आ गए भाई ये खाकर, मतलब एक बार टेक्सचर चेक करो भाई, एक सेकंड फोकस नहीं हो रहा। शिमला मिर्च क्या लगा हुआ, सॉल्ट भी टेस्ट रहा। हां बिल्कुल एकदम बढ़िया, मैं तो भाई शिमला मिर्च भी लगा रहा हूं। ये देखना भाई क्या तगड़ा है भाई, वाह एक वो तंदूर का स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है इसके साथ है ना भाई, वाह मजा आ गया सही में। तो गाइस अब यहाँ पे भाई हम लोग बना रहे हैं चिकन टिक्का भाई, वाह नदी के किनारे यहाँ पे डैडी मेहनत से लगे हुए, मम्मी तो खाएंगे नहीं, मैं और डैडी खाएंगे भाई दबा के चिकन टिक्का। ये देख रहे हो भाई मैरिनेशन देखो एक बार, ये बन के निकले गाइस एक नंबर भाई, मजे आने वाले हैं। आज पूरी मौज ले लेंगे, पूरी मौज लेंगे आज भाई, आज ये जो है। दोस्तों ये देखो भाई बिल्कुल क्या तगड़ा टेक्सचर निकल के आया है, और अपने ऑलमोस्ट बनके रेडी है ये। अब मम्मी जल्दी से जाके आप प्लेट सजा दो हम दोनों के लिए है ना, आप तो खाओगे नहीं, हम लोग ये भाई दोनों खाने वाले गाइस, क्या तगड़ा बन के आया है डैडी, मजा भाई साहब। ऐसा तो बाजार में ना मिले, बाजार में भी नहीं मिले भाई, जला देते हैं क्योंकि वो डालते हैं वैसे तंदूर में। गाइस ये देखो भाई यहाँ पे प्याज कट के आ गई है, प्याज डल रही है इसमें, और यहाँ पे काटा जा रहा है भाई बढ़िया नींबू, ये डाल दी उसमें प्याज, ये लो भाई इसमें मसाला डाल अच्छा मारो भाई, मसाले का ही टेस्ट है। बिल्कुल भाई बिल्कुल मसाले से ही मजा आएगा, नींबू मार देंगे प्याज जाएगी। तो गाइस अब इन सबको मिक्स किया जा रहा है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स लगा दिए क्योंकि यार इसमें जो स्मोकी फ्लेवर बन के आता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और साथ में ये देखो भाई वाह बस अब रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी देख के, यही टेस्ट करके बताओ एक भाई। मुँह में पानी आ रहा है, पहले एक बार मिक्स कर लूँ अच्छे से। बस हो गया मिक्स तो है ना, ना पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ अभी, ऐसे तो हाथ से करना चाहिए पर थोड़ा मैं हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं गाइस, तो इस वजह से हम स्पून से प्रेफर कर रहे हैं इसे करना, नहीं तो ये हाथ से होना चाहिए। हाथ से होने के बाद क्या है सब पर सारा नींबू मसाला लग जाता है और मजा आता है। करके देखो एक बार टेस्ट रेडी करके बताओ, एक पीस चेक करके बताऊं भाई, इसमें जो इसमें कोई फ्लेवर आना उसका मजा ही अलग एक नंबर भाई वाह। चलो गाइस अब इसे टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं भाई अपने रूफटॉप टेंट को खोलेंगे, आज रात की यही कैंपिंग करेंगे बढ़िया। A few moments later. So guys, गाड़ी को ना थोड़ा नदी से इस साइड हटा के लिया है क्योंकि भाई बिल्कुल जस्ट हम नदी के साइड पे थे, और यहाँ पे होटल क्या है भाई थोड़ी सी हमें लाइट भी मिल जाएगी इस साइड, तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया। अब बारी अपने रूफटॉप टेंट को खोलने की, चलते फिरते घर का जो मेन पार्ट है गाइस वो अब आता है,
यहाँ पे अपना रूफटॉप टेंट खोलने जा रहे हैं। तो रूफटॉप टेंट खोल लेते हैं क्योंकि भाई देखो अंधेरे में वैसे भी टाइम लैप्स लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, है ना। तो वह अच्छे से रूफटॉप टेंट खोल लेते हैं, फिर आपको वो दिखाएंगे, फिर ऊपर चढ़ के उसमें आराम से सो जाएंगे, खाना पीना तो अपना हो चुका है, अब बारी है बस सोने की। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं टेंट में, और टेंट में मचा दी इन दोनों ने भगदड़ भाई, एकदम से तबाही मचा दी भाई दोनों जन ने सच में भाई। अभी थोड़ी देर में डैडी तबाही मचाएंगे, खैर अभी तो मचाएंगे, इनकी तबाही थोड़ी लेट शुरू होती है, है ना भाई। ये पूरा कंबल उम्बल का सेट है, आज आराम से सोऊंगा भाई, आज माही नहीं है ना, तो उस तीन दिन खुले खुले ये देखो आराम से भी सो रहा, आराम से ही तो नहीं सो पा रहा, आज सोऊंगा आराम से। भाई ने ना पहाड़ों में ड्राइव किया है और मैं थक चुका हूँ बहुत ही ज्यादा, तो अभी सो जाते हैं, आपसे मिलते सीधे सुबह, सो गुड नाइट।